तो गाइज अगर आपके पास आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो आप सिम यूज़ करते हैं और आइडिया और वोडाफोन की बात करूँ तो यहाँ पर डबल डाटा ऑफर चला हुआ है, लेकिन आइडिया और वोडाफोन में ये डबल डाटा जो आपको मिल रहा है गाइज, इस डाटा को आप यूज़ भी नहीं कर पाते, ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो। और ये सब जो प्रॉब्लम हो रहा है आपको स्पीड के कारण, आपको अच्छा स्पीड नहीं मिल पा रहा और स्पीड ना मिलने के कारण आप इस डाटा को यूज नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पर एक एपिन आपका अगर जनरेट कर लेते तो बहुत ही ज़्यादा आपको जो है स्पीड देखने को मिलेगा। अगर आप खेलते हैं पबजी, फ्री फायर गेम खेलते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको जो है स्पीड चाहिए होता है, लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए एक एपिन को भी जनरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आज आपको एपिन बता देना चाहता हूँ, लेकिन एपिन बताने से पहले गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से जो कर दीजिएगा। एंड चलिए मैं यहाँ पर सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद सिम कार्ड मोबाइल पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आइडिया सिम पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ पर थ्री नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा एसिस पॉइंट नेम, तो चलिए एसिस पॉइंट नेम पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। एंड उसके बाद आपको न्यू एपिन बनाने के लिए यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, चलिए मैं प्लस के आइकॉन पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने न्यू एसिस पॉइंट नेम ओपन हो जाएगा, तो सबसे फर्स्ट में आता है नेम, तो नेम को ओपन करिएगा और यहाँ पर जो आपको टाइप करना है गाइज आइडिया, और यहाँ पर जो आई रखेंगे वो कैपिटल में रखेंगे, बाकी सब आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर में ही टाइप करना है। एंड उसके बाद आपको स्पेस रखना है यहाँ पर, उसके बाद आप टाइप करेंगे 4G, और जो जी रखिएगा कैपिटल में रखिएगा। एंड उसके बाद टाइप करिएगा इंटरनेट, इसका आई भी आप जो कैपिटल में ही रखिएगा गाइज, और बाकी सब आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर में ही टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आता है गाइज एपीएन, एपीएन को ओपन करिएगा और यहाँ पर जो आपको टाइप करना है गाइज वो सिर्फ आपको यहाँ पर टाइप करना है इंटरनेट, और इंटरनेट जो आप टाइप करेंगे गाइज यहाँ पर सिर्फ आपको आई कैपिटल में रखना है, बाकी सब आपको स्मॉल लेटर में ही रखना है। प्रॉक्सी नोट सेट पोर्ट नोट सेट यूज़र नेम को ओपन करिएगा और यहाँ पर आपको टाइप करना है गाइज इंटरनेट, और ये जो आप यहाँ पर टाइप करेंगे गाइज सिर्फ स्मॉल लेटर में ही टाइप करेंगे गाइज, यहाँ पर आपको कैपिटल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर कैपिटल को यार यूज़ करते तो स्पीड आपको नहीं मिल पाएगा। एंड ये टाइप करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। एंड पासवर्ड नोट सेट सर्वर को ओपन करिएगा और यहाँ पर आपको टाइप करना है www.google, इसका जी रखिएगा कैपिटल में, और यहाँ पर डॉट लगाकर आपको कॉम को टाइप कर देना है, www.google.com टाइप करके ओके पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आता है MMC नोट सेट, MMC प्रॉक्सी नोट सेट, MMC पोर्ट नोट सेट, MCC और MNC। MCC MNC में आप पर आपको बताना चाहता हूँ कि MCC और MNC आपके एरिया कोड होते हैं गाइज, अगर आपके एरिया कोड को यहाँ पर आपके मोबाइल में कुछ चेंजिंग है तो यहाँ पर आपको गूगल से सर्च करके जो है डाल लेना चाहिए कि आपके एरिया का MCC और MNC क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी स्पीड में। एंड उसके बाद आता है 30 टैब को ओपन करिएगा और यहाँ पर आपको पेपर चैप को सिलेक्ट कर देना है। एंड उसके बाद आता है AP टाइप को ओपन करिएगा और यहाँ पर आपको टाइप करना है डिफ़ॉल्ट कोमा SUPL, ये टाइप करके ओके पर क्लिक कर देना है। एंड APN प्रोटोकॉल को ओपन करिएगा और यहाँ पर आपको IP4/IPv6 को सिलेक्ट कर देना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल को ओपन करिएगा, यहाँ पर भी आपको IP4/IPv6 को सिलेक्ट कर देना है। एंड उसके बाद आता है बैरियर इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है गाइस, अनप्रेसाइड इसको यहाँ से अनटिक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में फर्स्ट बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर से जो है दिखाइएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको अनप्रोक्साइड इसको अनटिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल में सिर्फ LTE ही जो है सिलेक्ट होने के बाद सेव होता है, और LTE जो है ऑलमोस्ट मोबाइलों में यार सिलेक्ट होने के बाद सेव हो जाता है, तो आपको इसको ही सेव कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा जो यहाँ पर बैरियर सिलेक्ट होने के बाद भी सेव हो जाता है तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन सा जो है बैरियर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको देखिए LTE HSPA PHSPA HSUPA HSDPA UMTS EDG, यहाँ पर सिर्फ आपको यही बैरियर सिलेक्ट करना है, और इस बैरियर का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करना है कि आपको यहाँ पर स्पीड मिला भी है या नहीं मिला है। अब क्या करना है कि आपको मोरे पे जाना है, मोरे पे जाके इसको सेव कर लेना है, तो चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एंड सेव करने के बाद
आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, 2 से 4 मिनट के लिए आपको स्विच ऑफ करना है, और 2 से 4 मिनट के बाद आप ऑन करेंगे मोबाइल को। उसके बाद जो भी आपने पिन अभी बनाया है उसको सिलेक्ट करना है, और फिर देखना कि बहुत ही ज़्यादा आपके मोबाइल पर यहाँ पर स्पीड देखने को मिलेगा। तो आइए आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाइएगा, और चैनल में फर्स्ट बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों को अगर उन्हें भी परेशानी हो रही है पबजी और फ्री फायर खेलने में। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।